हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज निफ्टी ने जबरदस्त तूफानी रफ्तार पकड़ी और निफ्टी 14,250 के आसपास, मतलब 14,200, सॉरी, मतलब 250 पॉइंट की बढ़त के साथ और सेंसेक्स करीब 834 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ। लेकिन जब एक समय हाई बना रहा था तो सेंसेक्स करीब 936 पॉइंट ऊपर था और निफ्टी करीब 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 268 पॉइंट के ऊपर, प्लस बैंक निफ्टी करीब 270 के पॉइंट के ऊपर था। वो सब बातों पे चर्चा करने वाले हैं। तो आखिर वो रीजन क्या है, उन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो मेरा नाम है शेख जहीर, आप देख रहे हैं स्टॉक मजा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अभी के लिए एक रिक्वेस्ट ये है कि अभी मेरे लिंक के जरिए डीमेट अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन हो रहा है। आप जाकर डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं, लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए लौटते हैं टारगेट अपना इसके ऊपर, ठीक है। तो आज जैसे कि आपको पता है कि दो कंसेक्यूटिव डेज लगातार, दो लगातार गिरावटों के बाद आज सेंसेक्स ने थोड़ी सी रफ्तार पकड़ी। हो सकता है जिन लोगों ने कॉल बाई कर रखी होगी तो उनके लिए तो अच्छा दिन था, बट जिन लोगों ने पुट सेल कर रखी होगी उन लोगों के लिए बहुत बुरा दिन रहा होगा। सॉरी, मतलब पुट सेल कर रखी होगी उनके लिए बहुत अच्छा दिन रहा होगा, और जिन्होंने कॉल सेल कर रखी होगी उनके लिए बहुत बुरा दिन रहा होगा। और इन जिन लोगों ने कॉल बाई कर रखी होगी और पुट्स बाई कर रखी होगी, यानी कॉल बायर्स के लिए अच्छा दिन था और कॉल सेलर के लिए बुरा दिन था। खैर, बुरा और अच्छा दिन क्या होता है, अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है। कभी कोई कमाता है तो कभी कोई कमाता है, ठीक है। तो ये तो मार्केट है और मार्केट इज अनसर्टेन। तो चलिए उससे पहले कुछ ग्लोबल कारणों के बारे में बात करेंगे। देखिए, ग्लोबल कारण तो सबसे पहले एक चीज ये निकल के आ रहा है कि चाइना ने की जो इकोनॉमी है वो ग्लोबल पैंडेमिक के बावजूद करीब करीब 2.3% की रफ्तार से आगे बढ़ी है। एक तो ये कारण आ रहा है। दूसरा कारण ये आ रहा है कि बजट कुछ पॉजिटिव आने वाला है, ऐसा लोग बात कर रहे हैं। और बजट में जो है करीब इंफ्रास्ट्रक्चर और इंफ्रा पे कुछ कह सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ केयर सेक्टर पे ज्यादा जोर देने वाली है गवर्नमेंट। प्लस लोग ये उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि शायद कुछ बड़ा टैक्स नहीं लगाया जाएगा, तो इस वजह से लोग बाइंग कर रहे हैं। तीसरा बड़ा कारण है कि आज FIIs और DIIs के मुकाबले FIIs ने बहुत अच्छी बाइंग करी है, और इस कह सकते हैं कि पूरे महीने में करीब 17,000 करोड़ से ज्यादा की बाइंग सिर्फ FIIs कर चुके हैं, और DIIs ने करीब 25,250 करोड़ की सेलिंग करी है DIIs ने। तो कुल मिला के FIIs और DII का नंबर काफी ज्यादा है। लेकिन जो आज मुझे लगता है जो मेन कारण था, वो मेन कारण कुछ चलिए आपको दिखाते हैं। मेन कारण एक्चुअली ये मुझे लग रहा है कि जो एशिया के मार्केट थे वो एशिया के मार्केट काफी ज्यादा आपको पॉजिटिव दिखाई दे, क्योंकि यूएस का मार्केट तो अभी खुला नहीं है और जो डाउ फ्यूचर है वो डाउ फ्यूचर अभी फ्लैट खुलते हुए दिखाई दिए। लेकिन जो एशियंस मार्केट है, ये यूरोपियन मार्केट है, वो काफी ज्यादा ग्रीन में नजर आए। जैसे कि देखिए, ये FCC क्या बोलते हैं इसको, ये पॉजिटिव आपको नजर आया यहाँ पे, और डैक्स आपको पॉजिटिव दिख रहा है, SGX निफ्टी आपको करीब करीब फ्लैट दिखा है, और निकेई जो है पॉजिटिव नजर आया, और ये हैंसेंग पॉजिटिव है, टाइम्स पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव, लगभग लगभग सभी आज आपको ग्रीन नजर आए। तो ये यहाँ का रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है। एक तो रीजन, दूसरा ये रीजन ये होता है कि देखिए, जो आज डॉलर थोड़ा सा कह सकते हैं डॉलर जो था वो काफी वीक था, तो उस वजह से जो है यहाँ पे रुपीज को मजबूती मिली और यहाँ के बैंकिंग सेक्टर्स को काफी फायदा मिला, और यहाँ के PSU बैंक ने बढ़त बना के रखी। लेकिन यहाँ से पहले देखिए, आपको कुछ कारण और कुछ अलर्ट के बारे में बताना देना चाहते हैं। तो और ये जो मनी कंट्रोल की जो वेबसाइट है, यहाँ पे इन लोगों ने कुछ एक्सपर्ट्स हैं और उन लोगों ने ये कुछ अपने विचार डाले हैं। देखिए यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं कि द मार्केट हैज फॉर्म ए कंप्लीट रिवर्सल इन फॉर्मेशन क्लोजिंग अबव हाइएस्ट ऑफ द प्रीवियस डे विच इज अ दिस नंबर द पॉजिटिव टेरिटरी मार्केट, द मार्केट इज हेडिंग ऑफ द, तो ये अपने अपने कारण बता रहे हैं। तो ये कारण आप जाकर के पढ़ सकते हैं। द बुल्स वर बैक इन एक्शन एंड द मार्केट गेन्ड नियरली 2% सेटल अराउंड द डे एज हाई आफ्टर द 2 डेज ऑफ द सेटल बेंचमार्क ओपन द हाई। देखिए ये सब अपने कारण ये बता रहे हैं, तो कारण कुछ कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको कारण बताया वो एशियन मार्केट को लेकर के था। लेकिन क्या मार्केट में ये अनसर्टेनिटी बरकरार रहेगी? बिल्कुल, मार्केट इज अनसर्टेन। तो आपको मैंने वीडियो बनाने का मकसद ये है कि प्लीज बी अलर्ट रहिए। बी अलर्ट का मतलब यह है कि मार्केट इज अनसर्टेन, ठीक है, मार्केट जो है अनसर्टेन है, ठीक है। हो सकता है कि आप उसी हिसाब से पोजीशन बनाइए और अपने बी और अपने स्टॉप लॉस रेडी रखिए। स्टॉप लॉस आपको रेडी रखना है। तो आपका जरूरी नहीं कि मार्केट ऊपर ही भागता हुआ नजर आए, कल मार्केट नीचे भी आ सकता है। तो आपको क्या करना है, बैलेंस में रहना है, और कभी भी जब आपको एग्जिट करने का मौका मिले तो आपको प्रॉपरली एग्जिट कर देना है वहां से, क्योंकि
क्योंकि दोबारा आपको फिर मौका मिल जाएगा वहां पे एंट्री करने का। हाँ ये जरूर होता है कि ऑप्शन सेलर्स के लिए वो लोग काफी बहुत ज्यादा लॉस कर जाते हैं, क्योंकि वो अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ सही टाइम पे नहीं कर पाते हैं। तो स्क्वायर ऑफ सही पे टाइम पे करना है, प्लस अपनी पोजीशन को प्रॉपरली हैच करना है, कहाँ की पोजीशन को किस जगह पे शिफ्ट करना है, ये सारी बातें आपको यहाँ पे जानना है। तो मैंने आपको ये बताया कि निफ्टी जो बड़ा है, हो सकता है वो कल फिर गिरावट आ जाए, फिर मार्केट पलट जाए, तो इसलिए आपको बी अलर्ट रहना है, बी अलर्ट रहना है, बी अलर्ट रहना है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, भाई का चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मार्केट को समझिए यार, मार्केट को समझता है, पैसा तो बनता है। धन्यवाद।